दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस पर देवी देवताओं की बड़ी कृपा है। यहाँ की खुशहाल संस्कृति और परंपरा की वजह से ये प्रदेश पूरे भारत भर में अत्यंत प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश लोक गाथाओं और सुंदरता की भूमि है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टेंट्रेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश से जुड़ी अद्भुत और रोचक जानकारी के बारे में जानने वाले। तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भारत में स्थित एक राज्य है। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश शब्द का अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत और इस क्षेत्र में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना है। आंगल गोरखा युद्ध के बाद में यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के हाथ में आ गया और सन 1857 तक ये महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा था। इसी के चलते हुए सन 1950 में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया, लेकिन 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और राज्य का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है और इस राज्य की 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 68,64,000 के करीब है। इसके अलावा यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी और पहाड़ी है और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है और विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। राज्य का ज्यादातर हिस्सा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, गहरी घाटियों, सुंदर झरनों और हरियाली से भरा है। यहाँ का मौसम जगह के हिसाब से बदलता रहता है। कुछ जगह पर भारी बारिश होती है तो कुछ जगह पर बिल्कुल भी नहीं होती है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस राज्य में बर्फबारी आम बात है और राज्य में कुल 12 जिले जो प्रशासनिक सुविधा के लिए मंडलों, गांवों और कस्बों में बंटे हैं। हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य है और सेब के भारी उत्पादन के कारण हिमाचल प्रदेश को सेब का राज्य भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि हिमाचल प्रदेश में घूमने और खाने के स्वाद की बात करें तो यहाँ पर घूमने के लिए चंबा, कांगड़ा, रोहतांग पास, शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, सोलम आदि है। इसके अलावा यदि हिमाचल प्रदेश में खाने के स्वाद की बात करें तो यहाँ पर मादरा, धाम, तुड़किया वाट, स्पाइसी लोटस, चा कोस्ट, सिद्धू और अन्य। दोस्तों, यदि आप कभी हिमाचल प्रदेश जाए तो यहाँ पर घूमने और खाने का स्वाद जरूर ले। इसी के चलते हुए आज हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे हुए आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको भारत के खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।